Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are going to discuss today matrix and determinants. Matrix and determinant is a chapter of algebra, and out of these two names, one of them is matrices and another is determinant. Both are important for school examination, but as far as concerned with competitive examination, matrix is important for JE main and advanced both, but determinant is not important for JE Advanced. So let me discuss the first question, first topic, matrix first, and thereafter we will discuss determinant as well. So without wasting time, I am going to discuss matrix. And matrix is what? Matrix A. So let us discuss today matrices. And in matrices. What is matrix? Basically, if someone has four numbers, चलिए आपके पास चार नंबर हैं और मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि इसको 1, 2, 3, 4 को अरेंज करिए, तो कोई ऐसे अरेंज कर सकता है ना? कोई ऐसे अरेंज कर सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसे भी अरेंज कर सकता है, कोई आदमी ऐसे भी अरेंज कर सकता है 1, 2, 3, 4। क्या ये सारे अरेंजमेंट एक जैसे हैं? नो। इसमें क्या है, एक लाइन में, रो में अरेंज किया हुआ, इसमें एक कॉलम में अरेंज किया हुआ, इसमें टू रोज और टू कॉलम्स है, तो इसको अलग अलग रोज में अरेंज किया गया है। इसमें एक ही रोज है, इसमें टू रोज है। रोज किसको कहेंगे? एक ऐसे, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इनको हम रोज कहेंगे। और यहाँ पर कितने रोज है? यहाँ पर 4 रोज है। कॉलम्स की बात अगर करें तो कितने कॉलम्स हैं? यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे दो कॉलम है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कॉलम है। सो ये मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स इज नथिंग एल्स, सो वी कैन राइट हियर, ये कहेंगे 1 × 4 है, यानी पहला जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है पार्ट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 2 × 2 का, ये है 4 × 1 का। यानी मैट्रिक्स इज नथिंग एल्स बट डिफिनेशन के तौर पे ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच देयर आर सम रोज एंड सम कॉलम्स। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स इज, वी कैन राइट हियर, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एंड एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच देयर आर सम रोज एंड सम कॉलम्स, देयर आर सम रोज एंड सम कॉलम्स, सम कॉलम्स। यहां पर दो बातें लिखी गई है कि कुछ रो होना चाहिए और कुछ कॉलम होना चाहिए। ये रो क्या है, व्हाट इज दिस, और ये कॉलम किसकी चर्चा क्यों हो रही है, ये रो और कॉलम क्या है? तो रो के बारे में ये कह सकते हैं कि रोज आर नथिंग, रोज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज, एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज, वेयर एज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स, वेयर एज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉलम्स, वेयर एज द वर्टिकल अरेंजमेंट्स, कॉलम्स इज व्हाट, नथिंग एल्स बट द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ and element of elements are called columns, right, columns, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम्स आपको समझ में आ गया इसका मतलब, और ये क्या है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच देयर आर सम रोज एंड सम कॉलम्स एंड अरेंज इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में ही इसको अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, एक रिवाज है, एक पैटर्न है, एक जिसमें हम
इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही अरेंज करते हैं, तो इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब एक मैट्रिक्स में कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसा कि हमने अरेंज किया है कि सम रोज एंड सम कॉलम्स आर देयर। सो लेट अस कंसीडर वन क्वेश्चन, वन ऑफ द मैट्रिक्स लाइक दिस, ए बी एनी मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या है कि एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं ऐसे, A11। A11 का क्या मतलब हुआ? इस बात को समझने के लिए पहले यहां चलते हैं। हर एक एलिमेंट्स जो यहां पर लिखा हुआ है, इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है। जैसे यहां पर ये एलिमेंट जो है, इसकी पोजीशन क्या है? तो इसकी पोजीशन है कि पहली रो और दूसरी कॉलम में, है ना, पहली रो दूसरी कॉलम में। ये कहाँ है? तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, ये है फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम में। तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक पोजीशन होता है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक पोजीशन होता है। इसी तरह से एलिमेंट के पोजीशन के जरिए ही अगर हम इसे एक्सप्रेस कर दे कि A11, राइट, A11, A12, A13, है ना, और A14 लाइक दिस, और A1n, इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट कहाँ है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो nth कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें n कॉलम होंगे। इसमें कितने कॉलम है? n कॉलम है, है ना। तो n कॉलम होने की वजह से इसमें हम n कॉलम देख लिए। फिर इसी तरह से A21, A22, A23, A24 और ये हो गया A2n। अगर इसी तरह से मैं बढ़ता जाऊं तो लिखना पड़ेगा AM1, AM2, AM3, AM4 और AMN। इसका मतलब है कि पहली रो यहां पर है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, mth रो यानी जो फाइनल रो है वो है mth रो। m रो है और कॉलम कितने हैं? n है, तो इसका हो गया m रो एंड n कॉलम। दिस वन इज कॉल्ड, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग एल्स बट क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? द रिप्रेजेंटेशन of number of rows and the number of columns and the number of rows and number of columns and the number of columns in a matrix. मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यह है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। A23 मीन्स द एलिमेंट्स बिलोंग टू, मीन्स the element belongs to second row and third column। तो हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक पोजीशन है। इसी तरह से अगर aij लिखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि the elements belong to, element belongs to ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंग टू ith रो एंड jth कॉलम। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n हो सकता है, m n के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, p एक मैट्रिक्स है, ये 2, 3, 5, 7, 9, 0, इसमें कितने ऑर्डर हैं? तो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। अगर Q एक मैट्रिक्स में ऐसा लूं जिसमें ये 3, 2, 5, 7, 1, 8 ऐसा लिखा है,
इसमें थ्री रोज और टू कॉलम्स हैं। ऐसा ही कोई और मैट्रिक्स हो सकता है। ये हमने ले लिया आर एक मैट्रिक्स, जिसमें क्या है, इसमें है ये 3 1 0, 2 -1 0 एंड 0 1 3। इसमें क्या है, इसमें तीन रो और तीन कॉलम हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि मैट्रिक्स में ये जो दोनों चीजें हैं, रो और कॉलम, ये बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। इसमें बराबर नहीं है। इसमें अगर टी एक मैट्रिक्स में लिखूं और ये 3 5 2 0 लिख दूं, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 हुआ, ये भी एक बराबर है। तो नंबर ऑफ रोज, पहला जो लिखते हैं वो किसको लिखते हैं, पहला जो लिखते हैं वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो लिखते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रहे, जब भी आप लिखें तो पहले नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करने वाले को लिखें और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने वाले को लिखें। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जब भी लिखें तो इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि आप लिख रहे हैं वो पहले रो की संख्या लिखेंगे और फिर कॉलम की, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा है ना, और ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले नंबर ऑफ रोज को और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लिखा है, ये रिवाज है। तो ये दोनों अगर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब ए मेन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि दो तरह के मैट्रिक्स हो गए, एक जिसमें बराबर होंगे और दूसरा जिसमें बराबर नहीं होंगे। तो हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला जो हम कहें कि एक होता है कि अगर ए मेन के बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स को यूजुअली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ऐसे ए आई जे, इस सिंपल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये लिखूंगा कि ए आई जे, ए बी एनी मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इनटू एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एम और एन के बराबर है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया हमने पी 3 4 2 6, ये है 2 × 2 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने R, जिसमें है लिखा 1 0 -1 3 1 2 और -1 4 2, ये है 3 × 3 ऑर्डर का। तो इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m n के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर हो, नंबर ऑफ रोज के। इसके बाद अगर ये बराबर नहीं है तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो रेक्टेंगल की तरह दिखेगी। तो दूसरा जो मैट्रिक्स हो गया हमारा, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज, ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू, इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स,
नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स हमने दिया 1 2 3 4 5 0, ये है 2 × 3 का। और एक मैट्रिक्स हमने बी ले लिया जिसमें ये लिखा है -1 0 6, ठीक है, और 5, और ये है 2 4 0 3 -1। ये क्या है, इसमें कितनी रो है, 2, और कॉलम कितने हैं, 4। तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन ये कॉलम जो है, रो कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही रो हो, तीन रो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया R, ये है देखिए 1 1 2 3 और -1 0 6, इसमें कितने हैं, 3 रो 2 कॉलम्स है, तो एटसेट्रा। ये सब जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी में एक मैट्रिक्स और भी हो सकता है, जैसे ये मान लीजिए कि L एक मैट्रिक्स लिया, इसमें लिखा है 1 2 3 4, इसमें कितने रो हैं, 1 रो है और 4 कॉलम्स है, ये भी इक्वल नहीं है, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स में खास बात क्या है, क्या खास बात है इसमें, कि इसमें एक ही रो है। इसी तरह से कोई और मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें एक ही कॉलम हो सकते हैं, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनके नाम अलग अलग है। तीसरा टाइप का मैट्रिक्स हम कहेंगे जिसमें एक ही रो हो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो व्हाटएवर द नंबर ऑफ कॉलम्स मे बी, है ना, कुछ भी हो, नंबर ऑफ कॉलम चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज एक ही है तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये एल ऊपर में एग्जांपल में दिया था, ये देखिए पी एक मैट्रिक्स है, इसमें लिखा है 2 3 5, तो ये क्या हो गया, 2 3 5, ये 3 एलिमेंट्स है, थोड़ा स्पेस कम हो गया तो 35 दिख रहा है, 2 3 5, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है। क्यू एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है ये 1 2 3 4, इसमें है 1 × 4, इस तरह से ये सारे रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर क्या हम ये लिख दूं 5, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, यस दिस इज ऑल्सो रो मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो तो एक ही है, कॉलम्स चाहे जो मर्जी हो हम उसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ऑल्दो इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं, ये रो मैट्रिक्स जो है उसमें एक ही रो होता है, ठीक है। अब दूसरी जो बात आ गई है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, राइट ना, कॉलम मैट्रिक्स, ये चौथे टाइप का मैट्रिक्स हो गया, चौथे टाइप का मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, कोई नाम है सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही कॉलम है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। रो मैट्रिक्स में 1 रो होता है और कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, ये है 3 × 1, कॉलम कितने हैं, 1। 5 7, कितने कॉलम है, 2 × 1, ठीक है। 3 8 9 0, कितने कॉलम है, 1, रो कितने हैं, 4, तो ये 4 × 1। तो इन सब में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये सब में क्या है, 1 है, ओनली वन कॉलम्स, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो होता है, यानी मैथमेटिकली अगर इसको कहा जाए तो ए मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर 1 × n, n कुछ भी हो सकता है, इज ए रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसी तरह से
यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए ए आई जे एज एम इंटू वन, एक ही कॉलम है इसलिए इसको कहेंगे इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंट बात सीखते हैं, है ना। इसमें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, है कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी उम्मीद है मुझे, और होगी कैसे, आप इतने इंटेलिजेंट जो है तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। सो अगला हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसके, तो डायगोनल मैट्रिक्स की, यानी पांचवा पांचवा चीज है डायगोनल मैट्रिक्स। ये किस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इफ एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट्स ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, अदर एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे पी एक हमने लिया, यहां पर टू और जीरो, ये है जीरो और ये है फाइव, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस तरह की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, सो प्रिंसिपल डायगोनल इज नथिंग एल्स, यहां पर हम कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इधर वाली लाइन को, ठीक है ना, ये जो है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इस तरह का ऐसे भी तो है एक डायगोनल, लेकिन इसमें क्यों इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो डिस्क्राइब होता है वो ए वन वन ए टू टू ऐसे डिस्क्राइब हो रहे हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। मतलब ये कि ए इज इक्वल टू, यदि ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम स्क्वायर ही हो तभी होगा, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इज सेड टू बी इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे सारे जीरो है अगर आई जे के बराबर नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, ए आई जे ये जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, ए वन टू, और वन और टू बराबर नहीं है इसलिए क्या है जीरो। इस एलिमेंट का नाम क्या है, प्लेस का पोजिशन क्या है, ए टू वन, इसमें भी टू और वन बराबर नहीं है इसलिए ये जीरो है। तो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं और इसमें है थ्री जीरो 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 फाइव जीरो और जीरो जीरो सेवन, ये क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, तो इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वही छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, है ना। अब जरा सोचिए कि ये सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट ये और ये तीनों एलिमेंट सेम अगर हो जाएं तब क्या होगा, अगर ये तीनों एलिमेंट सेम हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसका एक अलग नाम दे दिया, और उसका एक अलग नाम दे दिया स्केलर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक वैरायटी है। सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट जीरो,
बट नॉट जीरो, सेम होने चाहिए बट जीरो नहीं होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर कहें तो ए आई जे इज सच दैट, इज सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। इस सिंबल का जो वी की तरह लिख के काटते हैं, इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड कॉन्स्टेंट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। तो आई इज इक्वल टू जे के लिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स की ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई अगर जे के बराबर नहीं है तो उसे एलिमेंट क्या है, जीरो, और अगर आई जे के बराबर है तो वो एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होगा। जैसे ये हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये देखिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। या एक और एग्जाम्पल ले लू मैं अगर, तो b इज इक्वल टू ये लिख दिया 5 0 0 5, तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 3 का है, तो ये 2 ऑर्डर का हो सकता है या 3 ऑर्डर का हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट और नॉट? यस, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यस दिस इज करेक्ट। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो, बट क्या कह सकते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? नो। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स? नो, बट कन्वर्स इज ऑलवेज ट्रू। अब ये सारे अगर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो बात कुछ और है, लेकिन अगर ये 1 हो जाए तो इनकी कहानी कुछ और होगी। तो अगर ये सारे 1 हो जाए तो इसका कहते हैं, इसका एक और नाम दे दिया, और उसका नाम दे दिया क्या, तो उसका नाम दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा 7वां मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है जरा समझे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे, ए मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। तो सारे अगर 1 के बराबर हैं तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे अगर 1 के बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई बाई आई, आई से डिनोट करते, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ऐसा कहीं लिखा हो, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की बात हम कर रहे थे, ये लिख दिया हमने आई इज इक्वल टू 3 तो होगा नहीं, 1 होगा, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको प्यार से लोग I3 भी लिख सकते हैं, I3 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और इसको भी I2 लिखा जा सकता है, लिखना जरूरी नहीं है, I2 लिखने का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या करेक्टरिस्टिक है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई करे, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आगे हम बताएंगे और प्रूव करके भी दिखाएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1।
इसका मतलब हुआ कि आईट्री मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम स्क्वायर ही होगा सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, है ना, एंड वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, तो वन ही होगा कुछ और नहीं होगा, ये फिक्स है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी कुछ मैट्रिक्स के बारे में समान जानकारी। अभी इस पे क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन करने के लिए आपको सोचना होगा। तो इसमें एक चीज आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेज, फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स के बारे में जो अभी बेसिक जानकारी आपने सीखा वो ये था कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स में इनका कैसे ऑर्डर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सारी बातें आपने सीख लिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, जरूर पूछिए, और अगर दिक्कत नहीं है तो हम इसमें अगली क्लास में थोड़ी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक वीडियो आधे घंटे के आसपास बनाते हैं और उसके बाद दूसरा वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा। हम थोड़ी ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद फिर आपको हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। नमस्कार, फिर मुलाकात होती है, ठीक है, थैंक यू।